गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 8.1 कंप्लीट किया है। आज हम 8.2 पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ने हैं। सो उसमें फर्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं अभी हम वो देखेंगे। इफ़ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर राइट एंगल्स इज कॉल्ड रेक्टेंगल। सभी एंगल्स रेक्टेंगल के 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ इतना बोलेंगे ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, तो वो तो स्क्वायर भी हो सकता है। तो फिर रेक्टेंगल की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है? रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो सेम लेंथ के होते हैं। जैसे ए बी सी डी के समान रहेगी और बी सी ए डी के समान, यानी अपोजिट साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ, सो उसको बोला जाता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। नाउ स्क्वायर। स्क्वायर में सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं और लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज सेम, यानी कोई भी फोर साइड के अगर चारों भी एंगल 90 के हैं और चारों भी साइड्स की लेंथ भी सेम है, तो वो रहेगा स्क्वायर। सो देखो, रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज़ है ये: अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी डायगोनल्स की लेंथ रेक्टेंगल में सेम होती है, और डायगोनल्स जहाँ पे मीट होते हैं, जैसे ये साइड इसके साथ समान है और ये साइड इसके साथ, तो अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। डायगोनल्स ये जो है इनकी लेंथ भी सेम होती है। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी आधे आधे में वो डिवाइड होते हैं। सो रेक्टेंगल के ये तीन प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर। स्क्वायर के डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, दैट इज दे आर कॉन्ग्रुएंट, यानी जितनी लेंथ एसी की है उतनी ही बीडी की रहेगी। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, आधे आधे में डिवाइड करते हैं जैसे रेक्टेंगल में करते हैं। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और डायगोनल्स जहाँ मिलते हैं वहाँ 90 का एंगल बनता है। सो डायगोनल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये सिर्फ स्क्वायर में है, रेक्टेंगल में नहीं। बायसेक्ट ईच अदर सही है, लेकिन बायसेक्ट करते हैं 90 का एंगल बनाते हैं और उनकी लेंथ भी सेम होती है। ये तीन प्रॉपर्टीज़ है डायगोनल के बारे में स्क्वायर के। उसके बाद स्क्वायर के सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, सभी साइड सेम होते हैं, डायगोनल बायसेक्ट द अपोजिट एंगल, और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं अपोजिट एंगल को, यानी ये जो एंगल है और ये एंगल है एक दूसरे के अपोजिट है, ए और सी। सो ए एंगल और सी एंगल को ये जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहा है, यानी हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है। सो दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज़ फॉर स्क्वायर। नाउ सी द रोम्बस। रोम्बस ये पैरेललोग्राम जैसा दिखता है, लेकिन रोम्बस के सभी साइड्स सेम होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट एंगल्स, इसका अपोजिट ये है तो दोनों का मेजर सेम रहेगा, इसका अपोजिट ये है तो इनके भी मेजर सेम रहेंगे। सो पहली प्रॉपर्टी की सभी साइड की लेंथ सेम होती है। डायगोनल्स जो होते हैं उनके ये जो अपोजिट एंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस, यानी डायगोनल्स ये जो बीच के डायगोनल्स है वो अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहे हैं जैसे स्क्वायर में किया है। देन डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और जैसे स्क्वायर में बीच में 90 का एंगल बनता है उसी तरीके से रोम्बस में भी 90 का एंगल बनता है।
सो दीज आर ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल स्क्वायर एंड रोम्बस. सो इन प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमें पढ़ना है प्रैक्टिस सेट 8.2. नाउ सी दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल. ड्रॉ रेक्टेंगल एबीसीडी सच दैट ए बी इज 6 सेंटीमीटर एंड बी सी इज 4.5 सेंटीमीटर. तो हमने रफ फिगर बना लिए. रफ फिगर बनेगी इस तरीके से ए बी सी डी. ए बी की लेंथ 6 और बी सी की 4.5. सभी एंगल रेक्टेंगल में 90 के होते हैं और अपोजिट साइड्स की लेंथ सेम होती है. तो कंस्ट्रक्शन करते वक्त हम सबसे पहले निकालेंगे ए बी साइड. ए बी निकाल लेंगे 6 सेंटीमीटर की. फिर ए पे डी प्रोटेक्टर रख के 90 का एंगल बनाएंगे. बी पे भी प्रोटेक्टर रख के 90 का एंगल बनाएंगे. उसके बाद इस 90 के एंगल पे हम 4.5 का आर्क बनाएंगे. वहाँ पे नाम दे देंगे सी और वो सी हम इधर जोड़ देंगे. सो 90 का एंगल 90 का, या तो फिर इस सी पे रख के आप 90 का एंगल बनाइए इस आर्क पर, और वो 90 का एंगल यहाँ जहाँ मीट होगा वहाँ पे नाम दे देंगे डी. सो इस तरीके से ए बी सी डी हमें मिल जाएगा. सबसे पहले ए बी लाइन, फिर ए पर 90 का एंगल, फिर बी पर 90 का एंगल, फिर इस 90 के एंगल पे 4.5 का आर्क, वहाँ सी पॉइंट देंगे, यहाँ से 90 का एंगल बनाएंगे, वो जहाँ मिलेगा उसको नाम दे देंगे डी. सो दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन फॉर फर्स्ट वन. सो हमें कंस्ट्रक्शन के लिए सभी क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स के प्रॉपर्टीज़ अगर पता है तो कंस्ट्रक्शन हम आसानी से कर सकते हैं. सो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन इस तरीके से होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. ड्रॉ स्क्वायर. स्क्वायर में सभी साइड्स सेम होते हैं, सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं. साइड बोला है हमें 5.2, तो हम रफ फिगर पहले बना लेंगे. इस तरीके से रफ फिगर बनेगी W W X Y Z. W X हम निकाल लेंगे 5.2 का, फिर W पे निकालेंगे D से 90 का एंगल, X पे निकालेंगे D से 90 का एंगल. उन 90 के एंगल्स पे 5.2 के आर्क बनाएंगे. आयरन वाला पॉइंट यहाँ रखेंगे, पेंसिल वाले पॉइंट से ऐसे 5.2 का आर्क बनाएंगे. यहाँ पर नाम दे देंगे Y, फिर से यहाँ पे D रखकर 90 का एंगल बनाएंगे. सो ये यहाँ पे जुड़ जाएगा क्योंकि ये भी 5.2 का था. सो दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन. सो इसकी फिगर आएगी इस तरीके से. पहले WX, फिर 90 का एंगल D रखकर, फिर यहाँ पे X पर भी 90 का एंगल, फिर 5.2 के आर्क बनाएंगे. यहाँ पे नाम दे देंगे Z, यहाँ पे नाम दे देंगे Y, यहाँ D रखकर 90 का एंगल इधर बनाएंगे, तो ये 90 ही बनेगा. 5.2 मेजर लिखेंगे, 90 के एंगल शो करेंगे और W X Y Z नाम देंगे. सो दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन फॉर सेकेंड वन. नाउ थर्ड वन. ड्रॉ अ रोम्बस KLMN सच दैट इट्स साइड इज 4 सेंटीमीटर एंड मेजर ऑफ एंगल K इज 75. सो पहले हम फिगर बना लेंगे KLMN. अब रोम्बस बोला है तो रोम्बस के सभी साइड्स की लेंथ सेम होती है, तो सभी 4 सेंटीमीटर के बनेंगे. लेकिन हमें एक एंगल दिया है 75, तो हम वो एंगल भी बनाएंगे. सो इस तरीके से आएगा. पहले हमने KLMN नाम दे दिया KLMN. सो हमने KL निकाल ली 4 सेंटीमीटर की, K और L नाम दे दिया, 4 सेंटीमीटर लिख दिया. फिर K हमें 75 का दिया है, तो यहाँ पे हम D रखेंगे, इस साइड से गिनेंगे 75 का, ऐसे एंगल बनाएंगे. उस 75 के एंगल पे हम बनाएंगे 4 सेंटीमीटर का आर्क. उसके बाद फिर से हमें L पॉइंट पर पॉइंट आउट करना है. उसके बाद हम L पॉइंट लेंगे. L पॉइंट पर से 4 सेंटीमीटर का ऐसे आर्क बनाएंगे ऊपर में, और L पॉइंट पर से उसी आर्क को क्रॉस करने वाला 4 सेंटीमीटर का आर्क ही बनाएंगे. ये दोनों जोड़ देंगे. सो इस तरीके से वो बनेगा आर्क. पहले KL,
फिर के पर 75, फिर उस पर 4 सेंटीमीटर का आर्क, यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर का आर्क, यहाँ रख कर इसे क्रॉस। सो ये सारे आर्क हम जोड़ देंगे। सो के एल एम एन, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, एंड दिस इज 75। सो इस तरीके से हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे।